अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। क्या बोलती है पब्लिक? आज हम लोग है आसिम भाई, द पॉपुलर बोलते हैं यूट्यूबर आसिम भाई, डाउन टू अर्थ इंसान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और चाचा भी है साथ में, कुछ ना कुछ शायरी भी सुनाएंगे इंशाल्लाह। और अब उनके साथ में अपने भाई भी है, ये भी बैठे हुए। तो इंशाल्लाह आसिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए फार्म के ऊपर। और फर्स्ट टाइम शायद मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ मेरे चैनल के ऊपर, ताकि मेरी मेरी सब्सक्राइबर बढ़ जाए। नहीं और बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। और वीडियो जो, और आपने जो मोटिवेट किया है न्यू कमर्स को और हम जैसे फार्म वाले लोगों को, जो आपने आके आइडियाज़ दिए, बहुत सारी आइडियाज़ आपने मुझे भी दिए क्या ये करना चाहिए, क्योंकि आपका एक एक्सपीरियंस बोलता है। तो वो एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने मुझे कुछ नॉलेज दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज के तारीख में अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा ज़रिया बनाया है कि आप हमारे लिए, मतलब 250 बकरे की पलाई हमारे पास आ चुकी है। तो अल्लाह का शुक्र है फैजल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। और तो जब से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ ये पूरा सीजन अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्योंकि हम लोग कमेंट्स भी बहुत कंटिन्यू हमको देखने पड़ते हैं जी, क्योंकि कुछ बैड कमेंट्स हैं, नेगेटिव फार्म जी। आज तक एक भी कमेंट मैं बता दूँ लाइक लाइव के आपके खिलाफ, या आपके बुराई में, या आपके बकरे, आपका कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं आया। शायद वो बुरे लोग आपका चैनल नहीं देखते रहेंगे, है ना? आपको बहुत 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 ज्यादा प्यार करता है, बहुत बहुत शुक्रिया। सेकंड, आपने जो बकरे जो बाकी जगह से रिजेक्ट हुए थे वो भी आपके यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपने वो बोर का वीडियो बनाया था लास्ट टाइम, मेरे सामने वो क्या था और आज वो क्या है जी, वो तो अल्लाह है। लेकिन मैंने, आसिम भाई आपको क्या लगता है, क्या एक्चुअली क्या है, नॉर्मली मैं जब बकरे ले रहा हूँ पलाई पे किसी के, तो क्या मैं दूसरे के बकरों को खतरे में डाल रहा हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी सेट है? क्योंकि यू हैव डिफरेंट क्वारंटाइन पूरा सिस्टम है आपके पास जी। आपका फार्म अगर हम लोग पूरा टूर कराए हैं, मेन शेड्स बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये कितना फुट होगा ये मेरे को तो अंदाजा नहीं, आप बता पाएंगे, पर बहुत बड़ा डिस्टेंस है। मतलब फार्म के एंट्रेंस से के पास ही हमारा क्वारंटाइन रूम है, और फार्म के दूसरे कोने पे मतलब बकरे रखे हुए हैं। और यहाँ तक जो बकरों की पॉटी होती है ना, उसका भी आपने एक अलग ही इंतजाम किया, वो साइड में रखे हुए हमने, वो साइड में एकदम, ताकि मतलब है ना कि इन्फेक्शन एंड एवरीथिंग उसे सेफ रहे। तो बहुत ही सिस्टमेटिकली आप ये फार्म को स्लोली डेवलप कर रहे हैं। तो मेरा एक हिसाब है ऐसा है कि स्लोली विन द रेस वाला हिसाब है। मेरे को लेना चाहे तो देखो, मेरे पास अभी भी रिक्वायरमेंट आती है पलाई के बकरे की, लेकिन क्या है, मैं एक टाइम पे स्टॉप करता हूँ, फिर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। जानवर ऐसा है कि मेरी एक मोहब्बत है जानवरों के साथ में, तो वो इधर उधर बंधा हुआ रहे तो मेरे को खुद को पसंद नहीं है, क्योंकि अगर मेरे फार्म के एंट्री में आ गया कोई बकरा तो वो मेरा बकरा हो गया, मैं कस्टमर का नहीं समझता हूँ, मैं उसके ऊपर मेहनत कर रहा हूँ। वो अलग बात है क्या, कस्टमर फिर बाद में कुछ और बातें सुना देते हैं, कुछ है सुनना पड़ता है, क्योंकि हम लोग सर्विस फील्ड में है, कभी कभार अप्स एंड डाउन होते हैं, तो वो भी सुनना पड़ता है, क्योंकि हम लोग सर्विस फील्ड में वीडियो डे बाय डे कभी भी वीडियो मांगते हैं कस्टमर, हमको देना पड़ता है। दूसरी बात, क्या आपको लगता है, आपने मेरा वजन काटा भी देखा है, क्योंकि लोग है ना फेक एक चालू हो गया है, मतलब मेरे वीडियो के ऊपर कमेंट आते हैं कि तुम्हारे वजन काटे में 8 kg का झोल है, ये सब झूठ बात है। और कुछ ऐसी टीम होती है भाई, क्योंकि मैं कुछ आपके डिपार्टमेंट का हूँ, काइंड ऑफ सोशल मीडिया ना, जैसे आपका भी चैनल है मेरा भी है, जब मैं लाइव जाता हूँ या मेरे कुछ वीडियोस है उस पर एक टीम है, दे ट्राई टू यू नो मेरे को डीमोटिवेटर डाउन करने का सोचते हैं। लेकिन मैंने जब ये चैनल चालू किया था, मैंने एक बात को गार्ड बांध ली थी कि अगर आप हेटर्स को रिप्लाई करते रहोगे ना, राइट, आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। मैं नहीं करता हूँ रिप्लाई, मैंने छोड़ दिया, मैं भी छोड़ दिया, पहले मैं रिप्लाई करता था। हाँ। तो वो उसमें क्या होता है मालूम क्या, लोग समझते अरे यार ये भड़क रहा है तो इसको और भड़काओ, तो मैंने रिप्लाई, मैं मैसेज देख के भी अनजान बन जाता हूँ, क्योंकि भाई जिसको कमेंट करना है बुरा वो बुरा कमेंट, हाँ कोई चीज़ हक की बात होती है, एक आदमी असल आईडी से आके कुछ अपने लिए नॉलेज छोड़ता है तो वो नॉलेज लेना ज़रूरी है। एक फेक आईडी है, 4 दिन पहले बनी हुई आईडी है, कुछ एक हफ्ता पहले बनी हुई आईडी है, तो भाई असल आईडी से क्यों नहीं आते लोग जी? तो एक्चुअली वही मैं आपको बता रहा था कि बार बार वो मैसेज करेंगे ऐसा, दे ट्राई टू डीमोटिवेट अस, और क्या होता है कि उन्होंने कुछ गलत बोला, मैं बोलूंगा वो बोलेंगे, ये चलता रहेगा, इसमें हमारे नए वीडियोस नहीं बन पाएंगे, आगे काम नहीं हो पाएंगे। तो आपकी क्या सजेशन है हमारे लिए, आरके गोल्ड फार्म, या मेरे लिए पर्सनली क्या सजेशन है हमको? आपका तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है, खस्सी के भी शेड सब रेडी है जी, और जो खस्सी
आपने पाले थे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वेट पे अभी जी। तो मैं लोगों को तो एक ही बात बोलूंगा कि प्लीज आरके गोट फार्म पे आपने खस्सी बकरे भी रखे जी। लोगों की एक मेंटेलिटी सेट हो गई आई थिंक कि अंडुल बकरे सिर्फ आरके पे रखने चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोस्टली हमारे पास एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन चल रहा है अपना जी। तो मैं आज यूट्यूबर बनाऊं और आप मेरे सामने बैठे हुए नॉर्मल जैसे है, तो हम लोगों ने मैक्सिमम गोट जो 80% गोट बीमारी में आए थे जी। उनके ऊपर ट्रीटमेंट किया, रखा, जो सेट हुआ, तो सेट होने के बाद में मैं मेरी वाई नहीं लूटता हूँ। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ इस पे बहुत ही ओपनली। लोग ये जैसा आपने क्वेश्चन किया मेरे को कि जो आप बीमार बकरे लेते हो उससे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स क्या बोलेंगे जी। कैसा है कि अगर आप दूसरे फार्म पे भी रखाओगे ना, बकरा बीमार तो हर जगह पड़ सकता है जी। अच्छा बकरा भी दोगे तो बीमार पड़ जाएगा जी। और मर भी सकता है, क्यों? अल्लाह के हाथ में सब कुछ, लिविंग एंड डेथ किसी के हाथ में नहीं होती। बस यहाँ पर रखने का एक फायदा आपको ये मिलेगा कि यू नो यू हैव द एक्सपीरियंस और आपने इतना देखा है ये बीमारी पे ये इलाज है, इसको ऐसा करना है ऐसा करना है, तो आई थिंक यहाँ रखने में उनका ये फायदा है। हाँ, मतलब मैं बैक्टीरिया नॉन बैक्टीरिया मेरे को नहीं मालूम है, मेरे को मालूम है कि इसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट है और ये बीमारी क्या है जी। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई, 10वीं फेल आदमी हूँ, और जो भी नॉलेज से सीखा हूँ और एक्सपीरियंस से सीखा हूँ और पर्सनली प्रैक्टिकली हम लोग जो कर रहे हैं उसके ऊपर हम लोग सीखे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने डायरेक्टली ये फार्म चालू किया, 2 साल तक सिर्फ और सिर्फ मेरे बकरों को रख के मैंने एक्सपेरिमेंट किया हूँ यहाँ पर क्या चलता है क्या नहीं है। मेरे भाई लोग, छोटे भाई लोग आपने देखे, वहीद और अल्तमश, ये कभी ये फील्ड में थे नहीं, इनको मैंने घसीट के लेके आया। एक्चुअली लोग फैसल भाई को ही जानते हैं क्योंकि इनका मतलब माशाल्लाह इन्हें इनके चेहरे को जानते हैं लोग। पर मैं एक बात बोल दूं, यू नो जो दो भाई हैं इनके, वहीद भाई और अल्तमश भाई, अगर आप फार्म पे आओगे तो आप उनको जानते हो, अगर कोई नहीं आया तो यू नो वीडियो में वो आते नहीं है, वो लोग कैमरे पे नहीं आते, वेरी वेरी हार्ड, और वो मेरे बैकबोन है। जब मैं यहाँ पर नहीं था, ये फार्म को डेवलप करने में, ये फार्म को एस्टेब्लिश करने में इनका सब में ज़्यादा रोल है। पैसा तो कोई भी लगा लेता है, लेकिन उसके पीछे असल मेहनत है ना, वो मेरे भाइयों की है। वहीद मेरा भाई नहीं है, मेरा दोस्त है, लेकिन भाई से बढ़कर है मेरे लिए। वो मेरे लिए ऐसा है कि जहाँ मैं गलत रहूँगा ना, वो मुँह पे बोलता है कि फैसल तू यहाँ पर गलत है, तो ये चीज़ से ना दूर। हाँ, तो वो स्ट्रिक्टली, और मेरे को ऐसा दोस्त मिला है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया। और वो न्यू आइडियाज हमेशा लेते हैं। हाँ, हालांकि ना मैं भी कुछ बोलता हूँ उनको, मैं बहुत हम्बली बोलता हूँ कि भाई ये आप बेहतर जानते हो, पर ये मेरा मशवरा है, लेकिन ही टेक्स इट, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनकी जी। और वो लेते हैं और मेरे को बोलते हैं बाद में, हमारे सजेशन होते हैं, मतलब मशवरा होता है हमारे, कि वो मशवरे में खैर बरकत है, तो तीनों में हम लोगों का मशवरा होता है भाई ये क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो मैक्सिमम मेरी आइडियाज़ नहीं रहती है, उनकी आइडियाज़ रहती है, और क्योंकि वो लोगों ने फील्ड के ऊपर ज़्यादा काम किया हुआ है, एक्सपीरियंस मेरा अलग है लेकिन उनका फील्ड के ऊपर एक्सपीरियंस अलग है। हाँ, वो लोगों की आइडिया है, वो लोगों ने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए, मेरे 30-40 बकरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है जो 2 साल के ऊपर, और कुछ दोस्तों के भी बकरे थे, फिर उनको भड़काया गया, फिर वो चले गए बकरे, वो अलग बात है, लेकिन मेरे जो 30-40 बकरे थे मैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। एक्सपेरिमेंट करने के बाद में हमको पता चला कि मेरे फार्म पे क्या क्या चलता है, क्या गेनिंग है, और अल्हम्दुलिल्लाह बकरों में 3.5 kg प्लस ही गेनिंग होता है मैक्सिमम गोट्स में। लाइफ स्टॉक है, माइनस प्लस चलता रहता है असीम भाई, हर फार्म पे चलेगा, हम किसी की भी बुराई नहीं करते क्योंकि हम गोट फार्मिंग फील्ड को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं भी फार्मर हूँ तो वो भी गोट फार्म चलाते हैं, तो मेरा उनके लिए भी सपोर्ट है दिल से। कोई भी मेरे पास आके किसी भी फार्म वाले के खिलाफ बोलेंगे तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे फितनेबाजी वाला काम पसंद नहीं है, तो मैं फितनेबाजों को दूर रखता हूँ, जो इधर की उधर लगा के और अपना कंट्रोवर्सी करके उल्लू सीधा करते। मैं आपको इसीलिए पसंद करता हूँ क्योंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और आप आते हो, मुझे आइडियाज़ देते हो, और आप डाउन टू अर्थ हो, और आप इसी तरीके से रहो असीम भाई, ताकि हम न्यू कमर्स जो आएंगे ना आगे चल के, आगे की पीढ़ी आएगी, हमारी तो ज़िंदगी कितने साल की वो पता नहीं है, लेकिन आगे की जो पीढ़ी आएगी जो देख रही है आपको, और इंशाल्लाह आपके, मेरी दुआ है कि 1 मिलियन जल्दी हो जाए सब्सक्राइबर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और मेरा सपोर्ट हमेशा रहेगा और आपका सपोर्ट हमको चाहिए, और न्यू कमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो, और ना हमारे फार्म पे 6 महीने में एक टाइम आओ चलेगा, लेकिन उनके फार्म पे आओ। फोर्स नहीं करते, मैं बता दूं, मैं खुद ही मतलब बात तो हुई थी आऊँगा, लेकिन भाई ने कभी फोर्स नहीं किया कि आपको आना ही है, तो मैं देखो रात में आके बना रहा हूँ, बाकी फार्मर्स आई थिंक विल नॉट, लेकिन ये बनाने नहीं देंगे रात में, मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि दे वांट लाइट एंड ऑल,
इसके अलावा एक्चुअली आप आए मेरे यहाँ पर, मैंने कोई मस्का पॉलिश नहीं किया बकरों में, आपने सीधा बोले बकरे निकालो, एज इट इज जैसे बकरे वैसे दिखना चाहिए, तो मैंने वैसा ही बताया, आपके सामने है वीडियो, आपके चैनल पे वीडियो आएगी तो वीडियो शो होगी और वीडियो में दिखेगा जानवर क्या है क्या नहीं, और मेरे कस्टमर सेटिस्फाइड है तो मुझे और कुछ लेना देना नहीं है, और मेरी माँ की दुआ है और आप जैसे भाइयों की दुआ है, तो चाचा तो हमेशा साथ में रहते, कुछ तो दो लफ्ज़ हो जाए। कश्तियाँ गैप से किनारे पे लग जाती है, ना खुदा जिनका ना हो उनका खुदा होता है। वाह, ना कोई जिनका ना हो उनका खुदा होता है। नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजलियाँ खुद गिरते गिरते बेजार हो जाए। बहुत खूब। सो वीडियो जस्ट खत्म करते करते वर्ड बोलना चाह रहा हूँ मैं कि जो भी हमारे और यूट्यूबर्स हैं सबकी जो अभी देवनार बंद है, क्योंकि भाईजान लोगों को मालूम नहीं रहता बकरे कहाँ मिलेंगे। मेरी एक लिमिटेशन है, एक हद है, वो पार हो जाती है कभी कभी, सुबह से निकल के रात तक वीडियो बनाना, 20-20 वीडियो यूट्यूब पे एक दिन में डालना, मैं से जितना होगा मैं करूँगा, बहुत वीडियो डालूंगा लोगों के लिए, बकरे कहाँ मिलते हैं वो मालूम पड़ जाए, क्या इंसान की कुर्बानी हो जाए, हो जाए। बाकी यूट्यूबर्स भी प्लीज थोड़ी मेहनत कर लो, दिन में 5-6 वीडियो कम से कम डालो इसके लिए, सिर्फ के लोगों को मालूम पड़ जाए कि कुर्बानी का बकरा कुल्ला माहिम बंदर कहाँ मिल रहा है, लोग जाके ले ले। सही एक रिक्वेस्ट है। सही है, ये भाई भी है साथ में, आप भी बकरा पालते हो, आपका नाम तारुफ करा। नाम साकिब है। आप रहते किधर हो? मैं रहने के लिए तो मुमरा में हूँ, पर मेरी एक बार आपसे बात हुई थी जी, तो मैं बोल रहा था कि आपको 100 kg के बाद इसको कैसा गेन करना है, तो बात हुई थी, तो एक किधर पहचान वाले के पास आया था जी, तो मैं बोले यासीन भाई बोले कि जा रहे हैं, तो मेरी कोई पहचान हुई नहीं थी, बोला चलो, तो आपका फार्म भी देखा तो बहुत बेहतरीन बकरे बने हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप भी बकरे पालते हो? कितने पालते हो घर में? अभी फिलहाल मेरे पास 5-6 बकरे हैं घर पे नहीं है, फिर एक फ्रेंड है तो पालते हैं। नहीं, किधर भी है बिंदास, कोई भी फार्म पे रखे हुए नाम लो, मेरे यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि मेरे जरिए कोई प्रमोट होता है तो और अच्छी बात है। देवानंद पाटिल बोल के है, हाँ अभी तो उनके पास मेरे 5-6। अच्छा, मैंने उनकी वीडियो देखा था जो रहमान भाई ने बनाए थे, तो अच्छा बंदा है, काम अच्छा करता है, तो प्रमोट करना जरूरी है। मेरा देखो, ये छोटी सी फील्ड है, कोई भी हो प्रमोट करना जरूरी हो, जो एंड तक हो या कोई भी हो, अपना जाना नहीं हुआ वहाँ तक। मतलब वो बंद, अपन इसको जैसे अभी आसिम भाई है, जैसे बोले कि नए बंदे हो, तो वो एक अलग, मतलब आप लोग के फार्म के बीच में वो भी है, पर कैसा वो अलग एक मिजाज का बंदा है, मतलब जो सच है वो जो सच सही है, सही मतलब है। ऐसा ये नहीं है कि भाई कुछ बना रहे है और बता रहे है, तो सिंसियर, तो अपन भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वेरी गुड, कोई बोले करना चाहिए, आप आते रहो अभी हर 2 महीने में, और उनको ही बोला जहाँ जहाँ उनके माइनस पॉइंट है कि आप प्रमोट करो, क्योंकि आप चीज बना रहे हो, लाजिम प्रमोट करना चाहिए ऐसे लोगों को। मेरे को फार्म से वक्त मिलेगा ना इंशाल्लाह, मैं भी खुद विजिट करूंगा। अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोडक्ट कुछ भी हो, हाँ। पर अगर आप उसको बिक्री, उसको मार्केट में ना होगे नहीं, तो उसको कैसा पता चलेगा? आजकल का जमाना सोशल मीडिया का है, जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन लोग आके भी पर्सनली देखे कि आदमियों की मेहनत क्या लगती है बकरे पालने में, और लोगों की किस तरीके से, जैसा हम ही काले सफ़ेद से काले हो गए, तो मेरा लोगों को बोलना ये है कि भाई मेहनत करके मुंह काला करो, टोपा करके किसी का मुंह मत काला करो। इसी के साथ में साइनिंग ऑफ करते हैं हम लोग, और आसिम भाई को बहुत सारी वीडियोस बनाने की है फार्म पे, तो बस दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, गरीबों की मदद करना भूलना नहीं, अपने अम्मी अब्बा का फर्मा बदार बनो, ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ लगाओ, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया पॉल्यूशन फ्री इंडिया, ज़रूरतमंद की मदद करना भूलना। बोलो वापिस चाचा, टीम इंडिया ग्रीन इंडिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।